कुमारी चुहिया बनी चुहिया। गंगा नदी के किनारे कई संत लोग रहते थे। उन संतों के गुरु बड़े ज्ञानी थे। एक दिन उन संतों के गुरु जब गंगा नदी में खड़े प्रार्थना कर रहे थे, तब एक नन्ही चुहिया उनके सामने आई। संत गुरु को वो चुहिया इतना पसंद आया कि उन्होंने उसे घर ले जाना चाहा। संत ने अपनी मंत्र शक्ति से उस चुहिया को छोटी सी लड़की के रूप में बदल दिया। उस लड़की को अपनी पत्नी के पास ले गए। उन्होंने कहा, यही तेरी बेटी है, इसकी देखरेख प्रेम और ध्यान से करो। कुछ वर्ष बीत गए, वह बहुत सुंदर लड़की बन गई। संत और उसकी पत्नी ने सोचा कि इसके लिए अब एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। संत ने कहा, हमारी बेटी की शादी सबसे शक्तिशाली वर से करना चाहिए, सूर्य ही इसके लिए उचित वर होंगे। संत ने अपनी मंत्र शक्ति से सूर्य को बुलाया और अपनी बेटी से विवाह करने को कहा। लेकिन उस लड़की ने कहा, नहीं पिताजी नहीं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती, ये बहुत गर्म है। ये सुनकर संत बड़े दुखी हो गए। सूर्य ने कहा, आपकी बेटी के लिए योग्य वर बादल होगा, क्योंकि वो ठंडा है। तब संत ने बादल को अपनी बेटी से शादी करने के लिए बुलाया, लेकिन कुमारी चुहिया खुश नहीं थी। उसने कहा, ये काले और मंद हैं, इनसे भी अच्छा वर ढूंढिए। बादल ने कहा, आप पहाड़ को चुन सकते हैं, क्योंकि ये विशाल और बलवान है। संत पहाड़ के पास शादी का प्रस्ताव लेकर गए। कुमारी चुहिया ने फिर से इनकार किया। उसने कहा, नहीं पिताजी, ये बहुत कठोर और खुरदुरे हैं, मैं इनसे शादी नहीं कर सकती। तब पहाड़ ने सुझाव दिया, मुझसे भी बड़ा चूहा है। ये सच है कि मैं बलवान हूँ, लेकिन ये चूहा मुझ में बिल बना कर रहता है। जब चूहिया ने चूहे को देखा तो खुशी से उछल पड़ी। संत ने एक क्षण सोचा और अपनी शक्ति से अपनी लड़की को फिर से चूहिया बना दिया और उसकी शादी चूहे से कर डाली।